असल स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट लाइफ आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी वन जीरो वन के लेसन नंबर थर्टी फाइव को डिस्कस करूंगी इसकी हेडिंग है साइको पैथोलॉजी अब ये क्या होता है ये अब नॉर्मल साइकोलॉजी है यानी नफसयाती बीमारियों को समझना उनका इलाज करना इस साइकोलॉजी में आता है साइको पैथोलॉजी जो है वो नफसयात का ऐसा हिस्सा है मतलब जिसमें आप बुनियादी तौर तो पर ज़हनी जो जिस बीमारियाँ हैं उनको आप पढ़ते हैं और उनकी नफस्यात का मुता करते हैं और उनके बारे में वजाहत करते हैं उनकी निशानदेही करते हैं फिर जब आप इसकी हिस्ट्री में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत साल पहले से ही नफसयाती बीमारियाँ जो थी वो वजूद में आ चुकी थी या वो एग्जिस्ट करती थी ठीक है और माहिर नफसयात के मुताबिक जो नफसियाती बीमारियाँ हैं वो आपकी खुद की जिस्मानी खराबियों की वजह से आपके कुछ बुरे सलूक की वजह से आपकी कुछ डिप्रेशन परेशानियों की वजह से वजूद में आती हैं तो इनका जो इलाज है वो तीबी माहिर जो तबी माहिर हैं वो नफसयात की रोशनी में करते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी है और साइकोपैथोलॉजी का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो इसमें यह पता चलेगा कि ये बहुत साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी और इसमें सबसे पहले ये समझा जाता था कि इसका जो निशान है या इसके जो सिम्टम्स हैं वो एक स्टोन के ज़रिए से मिले यानी जब स्टोन का ज़माना था उस दौर में भी जहनी बीमारियां थीं तो उस दौर में जैसे आपने पहले मिड में भी एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें ऐसे पेशेंट का इलाज एक ट्रैफिंग के अमल के ज़रिए किया जाता था यानी उनके स्कल में उनकी खोपड़ी में एक होल किया जाता था और ये ख्याल किया जाता था कि इसके अंदर बदरू चली गई है या इसमें इस तरह का कोई शैतानी रूह का कब्जा हो गया है ने इस पे कब्जा कर लिया जिसकी वजह से इसको ये जहनी बीमारी है या ये इस तरह का हो गया है तो ट्रैफ्लिंग जो है वो आज से चार हज़ार पाँच हज़ार साल पहले तक भी की जाती थी और इसके बहुत ज़्यादा प्रूफ भी मिले हैं कि लोग इस चीज़ को करते थे और वो ये समझते थे कि कोई शैतान या कुछ जो दूसरी क़तें हैं उन्होंने इंसान पे हमला कर दिया जिसकी वजह से इंसान का जो जहन है या उसका जो दिमाग है वो परेशान है और वो इस बीमारी में मुबतला है उसके अलावा कई ऐसे जो राइटर्स थे या उस टाइम के जो रिसर्चर थे उन्होंने ये भी लिखा कि एक वहाँ का किंग था जो कि बदरूहों की वजह से पागल हो गया था और मतलब उसने इस पागल बद में अपने बच्चों को भी किल कर दिया मतलब ये सारी उसके बारे में ट्रैफनिंग के बारे में और इस चीज़ के बारे में डिटेल है कि पहले इस चीज़ को यह समझा जाता था, था कि इंसान पे किसी का किसी बुरी कुत का हमला हो गया जिसकी वजह से वो इस तरह की कर रहा है या वो इस बीमारी में मुबला गया या उसमें कोई जहनी या जिसमानी बीमारी है या फिर उसको काला जादू और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया जाता था कि इस पर ये चीज़ें हो गई हैं और वहाँ पर एक शख्स था जो कि कोड़े मारता था या इस तरह इंसानों का इलाज करता था और उसको उस शख़्स को काफ़ी अहम समझा जाता था कि ये इंसानों को शिफा दिलाता है लेकिन उसके बाद आहस्ता आहिस्ता जब माहिर नफस्यात में इसमें दिलचस्पी लेना शुरू की और उन्होंने इन सब चीज़ों को गलत करार दिया और उन्होंने इंसान के बारे में जो महदूद नॉलेज था उसको बढ़ाया और इस पे तहकीक की और इंसानी जो नफसयाती बीमारियां थी मेंटल इलनेस थी उनको समझा और उन पे इस बात का यकीन दिलाया कि ये गैर मामूली है जो कि जिनका इलाज ज़रूरी है ठीक है जिन जो के बदरूहों और इन चीज़ों की वजह से नहीं वजूद में बल्कि इंसान की अपनी ही किसी कमज़ोरी की वजह से या किसी दूसरे फैक्टर की वजह से वजूद में आती हैं उसके बाद क्या था कि इन साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा कि जो जहनी बीमारियाँ हैं वो कुदरती वजह से होती हैं या इंसान की जो अपनी वजह से हैं इनको देखना चाहिए इनको अच्छे तरीके से समझना चाहिए और फिर इसमें जो भी दिमाग में ख़राबी है उसके उसके सिम्टम्स देखने चाहिए और फिर उसके मुताबिक जो है इनका इलाज करना चाहिए मतलब एक उन्होंने ये कहा कि एक शख्स में मुखलिफ़ किस्म के फैक्टर्स होते हैं कभी वो खुशगवार मूड में होता है कभी वो दुखी होता है कभी वो किसी और फैक्टर से किसी अपने आप को पुरसकून महसूस कर रहा होता है तो ये जो डिफरेंट फॉल है इनको बैलेंस में रखना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इनमें बैलेंस ना हो तो इंसान में कोई ना कोई डिसेबिलिटी या कोई ना कोई मेंटल इलनेस आ जाती है डिप्रेशन आ जाता है या वो किसी बीमारी का शिकार हो जाता है और उन्होंने इसमें यह कहा कि हाथ और आप जो थंब है इसकी मदद से भी आप अपनी जो मेंटल इन्नेस है इसका इलाज कर सकते हैं यानी आप इन इनसे भी अपनी जो बीमारी है उस पर काबू पा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं उसके बाद सुकरात के बारे में है कि उसने कहा गया कि रूह इंसान में सबसे एक अहम फैक्टर है उसको देखना चाहिए और ये एक बहुत ज़्यादा लार्ज वास्ट एरिया है इसको ज़्यादा पढ़ें इंसान की इंसान पर रिसर्च करें उसकी शख्सियत उसकी पर्सनैलिटी पर रिसर्च करें और उन्होंने उस पर्सनैलिटी है इसको उन्होंने रिसर्च किया और देखा कि इंसान कैसे एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है अपने अपने गैरमूली मसाइल और रवैयों को जहन बना के उसके बाद अफलातून जो है वो भी जहनी बीमारियों के इलाज पे यकीन रखते थे उनका ये था कि जब तक जज्बात और वजह के दरम्यान यानी इमोशनल और रीजन जब आपके एक पैलेस में ना चल रहे हो तो आप जहनी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं ठीक है यानी इससे आपकी जहनी बीमारियां वजूद में आ सकती हैं उसके अलावा बाकी जो है उन्होंने अरस्तु जो है उसने इस बात पे कहा कि इंसान में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिस गुस्सा जज्बात हसद नफरत वगैरह जब इन इनमें बैलेंस नहीं होता तो तब भी इंसान में ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं फिर उन्होंने इसको जो एक्सरसाइज और डिफरेंट किस्म की जो इलाज थे कुछ प्रैक्टिस करवा के उन्होंने इसको इसका इलाज दरियाफ़्त किया उसके बाद उसके बाद ये था कि पाँचवीं सदी से पंद्रवीं सदी तक भी जो जहनी बीमारियाँ उनको जादूगरों से रिलेटेड किया गया जादू से रिलेटेड किया गया कि ये जादू की वजह से है और इंसान में जो फैक्टर्स हैं उन जादूगरों को इन्वॉल्व किया गया इनके इलाज के लिए इसी तरह गैलन ने जो कहा उसने भी ये कहा कि हिपोक्रेटिक्स एंगर और ये जो नर्व सिस्टम जब आपका डिफेक्ट होता है उसकी वजह से भी मेजर कॉज होती हैं बीमारियां जो एबनॉर्मलिटी की वजह बनती हैं उसके बाद मिडिल एज है कि मिडिल एज में ये था यही पंद्रहवीं और पाँचवीं सदी में भी इन इस चीज़ों को पाँचवीं और पंद्रवीं सदी में भी इन चीज़ों को रिलेट किया गया कि जब इंसान में कोई जादू का फैक्टर होता है कोई बदरू या शैतानी चीज़ें हमला कर देती हैं तो कर देती हैं तो उसमें जिसमानी और जहनी बीमारियां जन्म लेती हैं तो इस उस दौर में भी जादूगरों को इन्वॉल्व किया गया इन इलाज के लिए उसके बाद जब इस्लामिक वर्ड थी तो उसमें देखा गया कि इस्लामिक जो फिजिशियन थे या साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया उन्होंने इन लोगों का इलाज सिंपल डाइट से म्यूज़िक से और अच्छा इन्वामेंट प्रोवाइड करके इसका इलाज दरियाफ़त किया और यूरोप में यह था कि सेवनटीन सेंचुरी में इसका इलाज बहुत कम था लोगों को या तो बाहर छोड़ दिया जाता था या फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता था उनको कोई प्रॉपर तरीके से उनका इलाज नहीं किया जाता था बहुत बुरे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था और जब डेवलपमेंट हुई तो आहिस्ता आहिस्ा इन चीज़ों को इन रिसर्च को सामने लाया गया कि इन लोगों को खास तवज्जो की ज़रूरत होती है और इन पे तवज्जो देनी चाहिए उसके बाद फ्रांस रेडरिच के बारे में है कि उसने ये कहा कि इंसान में एक मकनातीसी कुवत होती है यानी आप इंसान और जो जानवर हैं वो मकना तीस कुत के मालिक होते हैं हमें बहुत ज़्यादा पावर होती है अगर उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए तो उनकी अपनी ही पावर से उनका इलाज किया जा सकता है यानी उनकी जो मेंटल इलनेस है जो उन, उनके ही किसी चेंज की वजह से वजूद में आती है तो उनकी इसी अपनी ही सेल्फ जो कुत है उनमें जो मकना तीस कुवत है मैग्नेटिक पावर है उसके थ्रू ही उसको सही किया जा सकता है उसके बाद फिलिप था उसने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया इस चीज़ में उसने ये कहा कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो नर्व सिस्टम की ख़राबी की वजह से वजूद में आता है यानी इंसान के दिमाग में अगर कुछ परेशानी है कुछ मसले हो गए हैं तो उसकी वजह से जो मेंटल इलनेस है वो वजूद में आती है उसके बाद विलियम था विलियम ने उसने इंग्लैंड में ये इसका इलाज ट्रीटमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जो कि बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिली और काफ़ी हद तक लोग इस पर इसको फॉलो करते रहे उस, उसके बाद विल हैलम के बारे में उसने मेंटल डिसीजेज़ को देखा उसकी क्लासिफिकेशन की और उस पर उसने रिसर्च की उसने उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दी कि ये कैसे होती हैं इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और ये किस तरह वजूद में आती हैं फिर उसने ये कहा कि जब आपका नर्व सिस्टम डिस्टर्ब होता है डिप्रेसिव होता है तो उसमें आप मेंटल डिसऑर्डर को फेस करते हैं उसके बाद जे एम के बारे में फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट था उसने भी इस चीज़ को समझा और उसने जो हिस्टेरिया के पेशेंट थे उसने उन पर काम किया और उनके बॉडी फंक्शंस को उसने जज किया और उसके बाद उसने उन सिम्टम्स को पहचाना और उन टेक्निक्स को उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि कैसे इन बीमारियों को कवर किया जा सकता है उसके बाद डिफाइनिंग एबनॉमेलिटी एब बिहेवियर क्या होता है जब एब किस तरह वजूद में आती है इसमें क्या है कि एबनॉर्मिलिटी डिफाइन कैसे की जा सकती है कि जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई करते थे या है, समझते हैं इस चीज़ को कि एबनॉर्मिलिटी जो है वो उनके पास एक्सपीरियंस पर भी बेस करती है कुछ इंफॉर्मेशन कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियर कुछ कल्चरल ट्रेडिशन कुछ डिफरेंट तरह की जैसे जैसे रिसर्च आती हैं इसमें इजाफा होता गया मतलब जब आपका एक बिहेवियर एबनॉर्मल होता है तो उसको एबनॉर्मल एबनॉमिलिटी से कंसिडर किया जाता है उसके बाद स्टिस्टिकल डेफिनेशन है कि जब लोग एरोटिक एरोटिक एबनॉर्मल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इनको एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता है और वो नॉर्मल लोगों के साथ चल नहीं सकते उसके बाद एबनॉर्मिलिटी एज वेशन फ्राम आइडल मतलब इसमें ये इस इसमें क्या आता है कि जब इंसान अपने आइडियल की तरफ कम जदोजहद करे या उसका तो उसकी तवज्जो किसी और तरफ करवा दी जाए यानी एक इंसान है वो किसी एक काम में बहुत ज़्यादा माहिर है लेकिन कुछ लोग जो है मतलब पेरेंट्स का भी दबाव होता है कि नहीं तुम ये पेंटिंग अगर उसको अच्छी आती है या उसका डिज़ाइनिंग की तरफ है तो वो कहते हैं नहीं ये काम नहीं अच्छा तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनो तो ये चीज़ें क्या होती हैं ये कुछ स्टूडेंट्स तो इस चीज़ को बेर कर लेते हैं और वो अपनी फील्ड ले चेंज कर देते हैं लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अपने दिमाग पे हायर कर लेते हैं कुछ ये भी सिम्टम्स जो होती हैं इंसानों में जो जहनी बीमारियों की वजह बनती है कि उनको उनके मकसद से हटा दिया जाता है या किसी और तरफ लगा दिया जाए या कोई प्रेशर डाला जाए तो ये चीज़ें भी जहनी बीमारियों की वजह बनती हैं तो ये था आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बेसिकली इसमें सिर्फ इसको डिफ़ाइन किया गया था कि ये क्या थी और किस तरह इसको देखा जाता था अब उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट क्या है सबसे पहले आपने साइकोपैथोलॉजी की डेफिनेशन करनी है कि क्या होता है जो इसमें स्टार्ट में पॉइंट है आप इसमें से कोई से ए, एक दो पॉइंट याद कर लें बस इसका बैकग्राउंड आप समझ लें कि इसमें क्या था और कैसे इसमें क्या इलाज किया जाता था एक वो जो स्कल में जो होल वाला सिस्टम था ट्रैफिंग उसको आप माइंड में रखें और एक ये जो मेडिसिन वाला पर्सन था शामान और द मेडिसन ने मैन इसको आप माइंड में रखें ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है उसके बाद बाकी जो फैक्टर्स है वो सिर्फ आप रीड आउट कर लें ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर इसमें से कुछ आए तो आपको पता चल जाए और इसमें एंड पे जो ये डेफिनेशंस दी गई हैं सबसे पहले व्हाट इज़ एबनॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन इसकी और एबनॉर्मलिटी एज डेविएशन फ्रॉम आइडल ये तीनों डेफिनेशन जो हैं आप इनको एक एक लाइन में कंसल्ट कर लें कि ये क्या चीज़ें होती हैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें बस इसके अलावा बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था और लेक्चर को एक दफ़ा ज़रूर थोड़ेली रीड कर लें ताकि आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ सके उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह अलाफ़